आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अपने कारनामों की वजह से पार्टी चौतरफा घिर गई है। पार्टी के हर नेता जांच एजेंसियों के रडार पर है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई एक बार पूछताछ कर चुकी है। वहीं पार्टी के दो दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे हैं। वहीं ऑपरेशन शीश महल को लेकर केजरीवाल पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिसोदिया के भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसी ने ऐसा केस बनाया है कि सिसोदिया और उनके वकीलों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कोर्ट में ऐसी क्या दलील रखे कि फैसला हमारे पक्ष में आ जाए। सिसोदिया और पूरी आप ने अपने कारनामे छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन छुपाए कुछ छुपा नहीं, और ईमानदारी का चोंगा ओढ़े लोगों का मुखौटा चेहरे से उतर गया। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले सिसोदिया की कट्टर ईमानदारी की हवा निकल गई है, जिसके बाद केजरीवाल एंड कंपनी से ना कुछ कहते बन रहा है ना झूठलाते। बाकी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ हुआ है कोर्ट में। दरअसल दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। फैसला स्पेशल जज M.K. नागपाल ने सुनाया। हालांकि सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वहीं सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिका पर आदेश 6 मई तक के लिए टाल दिया गया है। ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को अरेस्ट किया था। इससे पहले जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन इसे 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। कोर्ट ने सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। इससे पहले 27 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। स्पेशल जज M.K. नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो 26 अप्रैल को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट की ई कॉपी सिसोदिया के वकील को उपलब्ध कराए। दरअसल मनीष सिसोदिया के वकील ने तर्क दिया था कि अधूरी चार्जशीट या अधूरी जांच के आधार पर उन्हें जमानत दी जा सकती है। दरअसल सिसोदिया को बाहर निकालने के लिए उनके वकील खूब दलील दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट में उनकी दाल नहीं गल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।